उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक उपग्रह छोड़ा था जिसपे 104 उपग्रह एक साथ छोड़े, और इसके पहले हमने मंगलयान छोड़ा था, बहुत कम खर्च पे बहुत सफलतापूर्वक अपने ग्रह पे स्थापित किया। सुनो सुनो सुनो, जीएसटी पर आ रहे हैं। मैं भी सोच रहा था कि अभी तक मुझे टोका क्यों नहीं गया। तो ये दोनों उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये देश का अपने तकनीकी संसाधन पे, तकनीकी ज्ञान पे भरोसा था जिसके तहत इतने बड़े कदम हमने उठाए, और अभी हमारे दोनों पक्ष के वक्ताओं ने कहा कि ये जीएसटी की यात्रा तकनीकी रूप से, जहां 2 करोड़ इनवॉइसेस रोज दर्ज होने वाले हैं, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस पे भरोसा कर रहा है देश, और कोई कारण नहीं कि हम विश्वास ना करें कि हम इसमें सफल होंगे। ये पूरी योजना तकनीकी पर आधारित है और हम कामयाब होंगे, ऐसा हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी सपोर्ट ही इस पूरे योजना के पीछे की एक शक्ति है। महोदय, हमारे भूपेंद्र भाई साहब ने कहा कि पिंजड़े का पक्षी, पिंजड़े में पक्षी बंद तो था, लेकिन कांग्रेस के साथियों ने उसका ताला नहीं खोल पाए। ये हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में इन्होंने ये दरवाजा खोला, उस पक्षी को बाहर निकाला, और अब वो उड़ने के लिए तैयार है। अभी अभी उन्होंने ये बात भी कही कि वो उस पक्षी के अंदर खौफ है। महोदय, मैं एक छोटे शहर से छोटा मोटा व्यापारी हूँ और कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं नेतृत्व कर चुका हूँ। मुझे इस सदन में बहुत विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ कि आज देश का छोटा मोटा व्यापारी घबराया हुआ नहीं है। जितनी जानकारी की बात आप यहाँ कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले, पिछले 2 दिन पहले अपने साथियों से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये 4 के बारे में तो बताया, इसके अलावा जो संविधान संशोधन का जीएसटी है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या हमारा छोटा मोटा व्यापारी इतना सक्षम हो गया है इन चीजों को समझने के लिए और इस चीजों को, बदलाव को स्वीकार करने के लिए। महोदय, देश में जो व्यापारी वर्ग है, छोटे मोटे धंधा करने वाले हैं, बड़े लोगों के पास में तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन छोटे मोटे व्यापारी लोगों की एक शक्ति है कि वो बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसके लिए समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अपने आप को उसमें ढालते हैं। महोदय, हमारा जीएसटी, ये मैं कह रहा हूं, हमारा जीएसटी एक देसी आइडिया है और इसका हम समाधान भी देसी तरीके से निकालेंगे, और बहुत सारी चीजों को हमने पहले भी किया है, जैसे जब सेनवेट चालू हुआ था वो भी एक देश में बहुत बड़ा परिवर्तन था, कर प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन था, लेकिन जिस तरह से उसको लागू किया गया, सरकारें चाहे जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया और जितनी स्मूथली उसको लोगों ने स्वीकार किया, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हम एक नए बड़े कदम की तरफ जा रहे हैं तो हमको वो पुराना इतिहास भी याद रखना चाहिए। महोदय, हमारे समक्ष आज ये 4 कानून आए हैं, लेकिन ये 4 कानून, जो हमारा मदर कानून था कुछ दिन पहले, जो इस सदन में हम लोगों ने संविधान संशोधन के रूप में किया था, और मुझे गर्व है और मैं एक नए सदस्य के तौर पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे समय में आया जबकि मुझे इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला है। लेकिन संविधान संशोधन को भी हमने सर्वसम्मति से पास किया और इस सदन की गरिमा बढ़ाई और प्रशंसा भी देश से पाई। लोकसभा में यूं तो इस कानूनों की दिशा दशा तय कर दी है, और जैसे विधाता हमारी दिशा दशा तय कर देता है और हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन गुण अवगुण पर चर्चा कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि सरकारें इन भावनाओं को आदर करते हुए यदि जरूरत होगी तो दिशा दशा में कुछ बदलाव भी करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि ये कानून परसों तुम्हारा था, कल हमारा था, लेकिन आज ये कानून पूरे देश का है, ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि ये देश की योजना है। महोदय, इसके पहले कर कानूनों में कितनी विसंगतियां थी, जो लोग उसका पालन करते थे उन्हें ही मालूम है,
मलेशिया से कोई सामान कर्नाटका आता था, कोई कर नहीं था, लेकिन तमिलनाडु से अगर कर्नाटका आता था तो उस पर कर देना पड़ता था। नारियल तेल खाने की वस्तु है, सिर पे लगाने की भी वस्तु है, कॉस्मेटिक है। इस तरह के विवाद होते थे और जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। अगर हमें चलना है, चलता है चलने दो, ये एटीट्यूड अगर रखना है तब तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये हमने तय किया है कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम बदलेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, तो उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे, समस्या आएंगी और उनसे जूझना पड़ेगा। महोदय, संघीय आर्थिक ढांचा एक इस कर कानून के द्वारा संघीय आर्थिक ढांचा एक होगा, जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ साथ जो लोकल निकाय है, जो लोकल बॉडीज है, वो भी इसके एक पार्ट बन रहे हैं। कई प्रश्न है, आवाज सही भी है कि प्रश्न ऐसे हैं जो कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उनका समाधान नहीं निकाला जाएगा। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के रेवेन्यू को यदि हम खत्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। और जब हम ये देखते हैं कि जो दो बड़े कर और बहुत सारे छोटे छोटे कर आपसी समझदारी की मिसाल हमने कायम की और उनको सब एक धागे से पिरोया, तो कोई कारण नहीं है कि आगे बढ़ करके हम और भी समस्याओं का निदान नहीं निकाल पाएंगे। महोदय, ये भी तथ्य है कि इसके कारण आने वाली कठिनाइयां, उत्पन्न समस्याओं की बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जैसा डिमोनेटाइजेशन में हुआ था। मैं इस सदन में सुनकर के हैरान था, जबकि लोग बोलते रहे, बड़े बड़े नेता बोलते थे कि पूरा देश में सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई है। मैं भी व्यापारी हूं, मैं भी जानता हूं कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आश्चर्य होता था। आज भी यही होने वाला है कि कुछ समस्या आएंगी, उसका जोर शोर से प्रसार होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे, उस भावना में नहीं बह करके, ये एक ऐसी योजना है, सारे देश को इससे फायदा होने वाला है। सो वी शुड राइज अबव द पार्टी लाइंस एंड वी मस्ट क्रिटिसाइज, बट इट शुड बी अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। महोदय, इस कर प्रणाली की एक सबसे अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जैसा किसी पूर्व वक्ता ने भी बताया कि अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग राज्य सरकारों के लोग विथ कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये सारे लोगों ने अपने अपने अधिकार में थोड़ा थोड़ा त्याग किया और ये जीएसटी काउंसिल को इतना सशक्त बना दिया कि आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में इनके द्वारा, ये सबसे बड़ा कर इनके द्वारा गाइडेड होगा। और सर्वसम्मति की मूल भावना से किया, और न कोई हारा न कोई जीता, हर ने कुछ न कुछ त्याग किया, हर ने कुछ न कुछ पाया, तो ये एक बड़ी भावना है और इसके साथ ये जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ है। तो हम ये मान के चले कि आने वाले दिनों में ये जीएसटी काउंसिल एक सशक्त बॉडी होगी और इसमें और लोग भी जोड़े जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक बॉडी होगी जो सारे देश को एक धागे में पिरो के रखेगी। महोदय, कुछ सुझाव जरूरी है जो मैं देना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि जब रूल बनाए जाएंगे तो सरकार इन बातों का ध्यान रखेंगे कि, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब ये इतना बड़ा कानून चालू होगा तो कुछ भूलें भी होगी, और उनको सारी भूलों को हम गलती नहीं माने, वायलेशन ऑफ द एक्ट या नहीं माने, या उनको गलत नज़र से नहीं देखें, हम ये समझें कि ये दीज आर एरर्स, और जब एरर है तो एक भूल सुधार की संभावना, उसका प्रावधान इसमें करना चाहिए। और दैट टैक्स व्यापारी जो है, चाहे रजिस्टर्ड डीलर जो है, वो टैक्स पेयर नहीं है, मैं तो उसको मानता हूँ वो टैक्स कैरियर है, वो आम लोगों से टैक्स वसूलता है और विभिन्न चैनलों के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाता है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ यू, कोई अलग नहीं है, तो उसकी गलतियों को हम बिल्कुल बड़े स्तर पे ले जाएं और अपने अधिकारियों को की गलतियों को इग्नोर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय आ गया है जब हमें इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और दोनों को समभाव से देखना पड़ेगा। हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एक अधिकारी की गलती, जो कि पढ़ा लिखा है, उस कानून का ट्रेंड व्यक्ति है, उसके द्वारा गलती माफ की जाती है, तो एक छोटा व्यापारी की गलती, जो कम पढ़ा लिखा है, टैक्स के अलावा उसको और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी है, उसकी गलती को भी
हम सीधे इवेजन की नजर से ना देखें। महोदय, कुछ समय तक पैनल प्रावधान से मुक्ति व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती है और आएंगी ही, लेकिन उसके निदान के लिए भी कुछ न कुछ एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करनी चाहिए। एक मैं देख रहा था कि, और शायद माननीय रमेश जी ने कहा ये बात कि सीएजी के बारे में, या किसी और वक्ता ने कहा कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का, वो भी करदाता के खर्चे पे, ये थोड़ा मुझे गले नहीं उतर रहा है। मेरे ख्याल से रूल बनाते समय इस पे सुधार किया जाएगा। कौन कौन के महोदय, कौन कौन, यह प्रयास हो कि ये एक आर्थिक उन्नति का अवसर है, इसे हम फाइलों में, कचहरियों में, मुकदमों में, पॉलिटिक्स में उलझने नहीं देंगे। अंत में सारे कानून बनाने वालों का, को सारे रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स, सब लोगों को मैं समझता हूं कि देश धन्यवाद देगा, और विशेषकर उनको धन्यवाद देगा, नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में जेटली जी ने ये काम किया। सर, इनविजिबल टैक्स वार्स बिटवीन द स्टेट टू स्टेट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एंड मेनी बैरियर्स विल बी वैनिशिंग एंड द नेशन विल बी प्रॉस्पर, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू।